جی سنیے تو، میرے سوٹ کیس میں سے چاندی کی ڈبیا غائب ہو گئی، اس میں ایک نوٹ بھی تھا 100 روپے کا۔ یہ نئی نوکرانی ہے، جب سے رکھی ہے گھر میں اندھیر آ گیا ہے، وہ نوکرانی لے گئی شاید کل۔ آپ جائیے نا تھانے پہ، آپ تو بس فلم کھنچواتے رہتے ہیں، سارا گھر آپ نے اسٹوڈیو بنا رکھا ہے، جائیے نا جلدی۔ یہاں کلاکاروں کی اتنی قدر ہی نہیں، اتنے بڑے کلاکار کو اب تک دیش میں کچھ بھی نہیں دیا، کیا دیا؟ محنت کا پیسہ۔ سکھی کس مانو، دنیا میں میں تو بہت سکھی ہوں بھائی، کہ جوش کہتا ہے کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، صرف ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، تیری جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد مرجھا جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ غنچے نے کہا، اس دنیا میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے، یہ میں ایک دفعہ مسکرا تو لیتا ہوں، دنیا والوں کو یہ مسکراہٹ بھی صحیح طور پہ نہیں ملتی، تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو بہت سکھی سمجھتا ہوں صاحب۔ بلبل گل فصل بہا ساتھیو مدر بم یار بدن گل سا گائک بنے اپنے باپ کے جیسا، یہ کون نہیں چاہتا، میں بھی چاہتی ہوں، ویسے توقع کم ہے، ہم تو اس کو پڑھانا ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر یا انجینئر ہو جائے۔ خان صاحب تو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جیسا آرٹسٹ نہیں بن سکے گا۔ میں پڑھوں گا، گانا بھی سکوں گا، پڑھوں گا۔ یہ اور بھی تمام لوگ گا بجا رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی پوئٹک سینس نہیں ہے۔ پوئٹری کا سینس جب تک نہیں ہوگا، جب تک گویے میں بھاؤ نہیں آئے،
इमोशन लेस होगा वो। कपड़े नहीं पहनोगे, नंगे फिरोगे? टीपू मिन्ना के साथ खेलना बेटे, अच्छे अच्छे कपड़े। नहीं खेलते यार। नहीं नहीं करो। मैं हम नहीं खेलने जाओ। नहीं 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 करोगे? नहीं। अपने हाथ से करो। नहीं करते यार। फिर बुलाऊं बाबा को। देखिए नहीं 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 कर रहा है। But he's very outspoken, you see. He's very outspoken. To one great musician of India, he had told कि भैया ये तालियां कब तक बजवाते रहोगे? Generation तुम्हारे पीछे आ रही है। उनका nature ऐसा है कि कभी कभी वो बहुत खुश नजर आते हैं, कभी कभी एकदम खुश नहीं मालूम होते। अगर पूछो भी कि क्या बात है, आपके सोचते क्या है, क्या हमसे ना खुश हैं, तो कह देते हैं अरे भाई इंसान है, कभी खुश रहता है, कभी तुम क्यों पूछते। पिछले दिनों 5 साल में बहुत दुखी रही, बहुत रोती रही है, ये कुछ समझे ही नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है। उसके बाद अचानक इनमें ऐसा चेंज आ गया कि मैं रोना धोना सब भूल गई, एकदम मेहरबान हो गए, इतना ख्याल रखते हैं हर बात का कि शायद माँ बाप भी नहीं रखेंगे। कभी इतने खुश रहते हैं, इतने मेहरबान रहते हैं मेरी जरा जरा सी बात का केयर, कि मैं सब गम भूल जाती हूँ। इनके मूड की बात है, कभी कभी दिनों मुझे रोज शाम को साथ घुमाने ले जाएंगे और कभी महीनों के लिए मुझे बंद हो जाना पड़ता है। तो क्या हर वक्त मैं बीवी को गले में बांधे फिरूं? और कभी कहेंगे अरे भाई तुम्हारे बगैर क्या सोसाइटी कंप्लीट होगी, चलो ना
तो हमारी जिंदगी ऐसी ही है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश रहते हैं, कम तनसदा रहते हैं, एक साथ गाड़ी नहीं चलती। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। संगीत हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्धि हो, संगीत सबका एक ही है। संगीत का रास्ता हर मजहब के लिए एक है। खान साहब, संगीत साधना क्या आपकी निजी जिंदगी में खलल अंदाज तो नहीं होती? नहीं, वो तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं अगर गाऊं नहीं सुबह या शाम तो मुझे मालूम होता है कि जिंदगी में कोई चीज रह गई। At the age of 15, he composed Marcos, and you should listen to that composition. It's wonderful, simply wonderful. More metava sura janava raje laglam va andhari kari bijri chamage pavana chalata sanana nana 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 piya bin jiye rane ge sohi jaye छाए बदरा कर। 6 बजे उठते सुबह उठते हैं। सुबह कौन? मेरे बाबा जी। और उठ के क्या करते? गाते। कैसे? हाँ, जनक जनक पायल पा जे, जनक जनक पायल पा जे। उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं।
खाने में उनको कोई एतराज नहीं होता, कुछ ही उनको खिला दो, कुछ भी पका के दे दो, कितनी देर में दे दो, किसी चीज पर कोई एतराज नहीं, अपनी सोच विचार में रहते हैं। समझ गई कि कलकत्ते से आने के बाद, कलकत्ते से आने के बाद जो कुछ होगा हमेशा पैसा नहीं है, खुदा ना खास्ता क्यों नहीं है, पैसा तो बतेरा मेरे वास्ते नहीं रहता आपके पास पैसा, नहीं तुम्हारे वास्ते भी रहता है, लेकिन भी का क्या मतलब, कोई बात नहीं, नहीं भी का क्या मतलब, और किसी के वास्ते भी रहता है। देखिए कलाकारों की कितनी वैल्यू है, मगर अपने यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, चंद प्रेमी हैं संगीत के जो बस नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, आदाब करने वाले बहुत हैं, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। शायद खान साहब नहीं चाहते होंगे। खान साहब क्यों नहीं चाहते होंगे, कौन चाहता है कि मेरे लिए कुछ ना हो, लेकिन करे भी कोई, मैं इंडिया में तो कैसे कैसे कलाकार चले गए। जोश कहता है कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, सिर्फ एक तबस्सुम के लिए खिलता है, तेरी जो मुस्कुराहट होती है वो एक ही होती है, उसके बाद मुरझा जाता है तो मर जाता है। गुंचे ने कहा इस दुनिया में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत सुखी समझता हूँ सर।